हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर वालों का कॉस्मेटिक साइंस हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो कॉस्मेटिक साइंस का हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर दिया है और यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाले क्लास में इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, कॉस्मेटिक साइंस क्या होता है, कॉस्मास्यूटिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं, डिफिनीशन कॉस्मेटिक के बारे में बात की है इंडियन के रूप में, जैसे EU रेगुलेशन क्या होता है, इवेल्युएशन ऑफ कॉस्मेटिकल क्या होता है, कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं, कोसाइस एंड OTC ड्रग क्या होते हैं। OTC का मतलब होता है ओवर काउंटर ड्रग होता है। तो ये सब ड्रग क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे जा करके देख लेना, एकदम आसान भाषा में आपको समझाए हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्मेटिक एक्सपीशियंट आपका दूसरा चैप्टर है और अगले वाले लेक्चर में स्किन और हेयर को दोनों को कवर करेंगे, या फिर हो सकेगा तो स्किन, हेयर और ओरल कैविटी जो है इन तीनों को लेकर के एक ही लेक्चर में कंप्लीट करा देंगे। लेकिन थोड़ा सा हम लोग आज बात करेंगे कॉस्मेटिक एक्सपीशियंट के बारे में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में आपको पहले से भी नॉलेज है कि एक्सपीशियंट क्या होता है। इसमें हम लोग को 4 से 5 पॉइंट पढ़ने, जैसे कि सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, फिर रियोलॉजी मॉडिफायर क्या होते हैं, ह्यूमेक्टेंट क्या होते हैं, इमोलियंट क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव क्या होता है, इनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं और इनके एप्लीकेशन क्या होते हैं। इन सभी के बारे में दोस्तों इतना आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि यहीं कहीं आपको पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाए दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए, इधर उधर खोजने की जरूरत ना पड़े। तो हम लोग देखिए, जब फार्मास्यूटिक्स पढ़ते थे तो उसमें जैसे मान लीजिए टेबलेट बनाना होता था, ठीक। यहां पर थोड़ा सा समझाता हूं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग को ये टेबलेट बनाना हो गया। अब ये टेबलेट बनाने के लिए हमें क्या काम करना पड़ता था, क्या क्या हम लेते थे। तो हम लोग लेते थे, यहाँ पे सही चल नहीं रहा है इसको, जैसे मान लीजिए हम लोग लेते थे, आपको याद आ जाएगा अभी तुरंत, एपीआई प्लस क्या और प्लस एक्सपीशियंट। तो एपीआई प्लस एक्सपीशियंट को मिला करके हम लोग क्या बनाते थे, ड्रग बनाते थे। अब वो ड्रग टेबलेट हो या फिर कैप्सूल हो या फिर ऑइंटमेंट हो, लोशन हो, क्रीम हो, कुछ भी हो, तो हम लोग क्या मिलाते थे, एपीआई और एक्सपीशियंट। तो एपीआई का मतलब क्या होता है, एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। याद आ रहा है आप लोगों को, एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तब आप लोग कहेंगे एक्सपीशियंट क्या होता है, तो एक्सपीशियंट का मतलब आप लोग यही जान रहे हैं, पढ़े हुए हैं आप लोग, याद बस आपको धराना है। तो याद करने के लिए एक्सपीशियंट जो होता है ये एपीआई के साथ मिक्स किया जाता है, जो कि उनका बल्क बढ़ाने के लिए, वो डोज को मेंटेन करने के लिए मिलाया जाता है, जिसमें कोई भी एक्शन नहीं होता। एक्सपीशियंट जो होता है इनमें कोई भी एक्शन नहीं होता है, ये ड्रग को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यही चीज आपको यहां पर पढ़ना है कॉस्मेटिक एक्सपीशियंट में। तो कॉस्मेटिक एक्सपीशियंट अगर आपसे पूछे कि कॉस्मेटिक एक्सपीशियंट क्या होता है, तो सिंपल रूप से आप लोग लिखेंगे कि दी सबस्टेंस हैविंग नो इनसिग्निफिकेंट फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। मतलब ये एक ऐसा सबस्टेंस होता है जिसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होता है, बट एडेड टू दी फार्मास्यूटिकल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वही बताया हूं ना, ये मिक्स किया जाता है, लेकिन किसके साथ, एपीआई के साथ। एपीआई को एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोला जाता है टू गेट इंटेंडेड प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉर्मुलेशन इज कॉल्ड एक्सपीशियंट। समझ गए आप लोग, समझ में आ रहा है आप लोगों को, यही चीज है कॉस्मेटिक एक्सपीशियंट का भी यही काम है। क्या होता है, ये एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो कि कोई भी इसका फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होता है, जो कि कोई भी अफेक्ट शो नहीं करता है, इसको केवल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ मिलाया जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, आपको एग्जांपल एक दे देता हूं, होम्योपैथिक का देखते हैं, डॉक्टर लोग दवा रखे रहते हैं छोटी छोटी डिब्बिया में, छोटी छोटी गोलियां भरी रहती है ना छोटी छोटी गोलियां, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, एक ड्रॉप लेकर के उसमें गिराते हैं दवा को, ठीक। तो वो जो ड्रॉप में बूंद बूंद करके दवा को गिराते हैं, तो वो जो दवा होता है उसमें गिराया जाता है छोटी छोटी गोलियों पर, वो जो दवा हम लोग गिराते हैं बूंद बूंद करके, वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। और जो वो सादा सादा गोलियां रहती हैं, अगर वैसे ही खाएं बिना ड्रॉप वाला गिराए, तो वो जो सादा रहता है, तो वो समझ लीजिए एक्सपीशियंट है, ठीक। लेकिन डोज को मेंटेन करने के लिए, दो दो गोली केवल खाना है, तो डोज को मेंटेन करने के लिए ड्रॉप को 2-3 बूंद गिरा देते हैं और पूरे डिब्बी में जितने टेबलेट रहती हैं, छोटी छोटी गोलियां रहती हैं, उसको ऐसे करके मिक्स कर देते हैं, फिर दो दो गोलियां आप लोग खाते रहते हैं, ठीक। तो यही होता है एक्सपीशियंट, जिसका कोई भी अफेक्ट नहीं होता है। प्रॉपर्टीज की बात करें, क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, तो एक्सपीशियंट है वेरिटी फंक्शन विच आर दी, जैसे एक्सपीशियंट स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए हो गया, ठीक। जैसे कि इसमें और भी लिख सकते हैं, जैसे द एक्सपीशियंट मस्ट नॉट इंटरफेयर विद, ये जो एक्सपीशियंट होता है किसके साथ इंटरफेयर नहीं करता, जैसे डोजेज फॉर्म हो गया, ड्रग रिलीज हो गया, स्टेबिलिटी हो गया और एक्सेप्टेबिलिटी हो गया।
तो प्रॉपर्टीज दो नंबर में बन सकता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखिए एक टॉपिक इसमें ये है सर्फेक्टेंट। अब सर्फेक्टेंट के बारे में आप लोग पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सर्फेक्टेंट क्या होता है। सर्फेक्टेंट के बारे में हम लोग बहुत पहले से ही लेक्चर में पहले वाले सेमेस्टर से ही बताते हुए आ रहे हैं आप लोग को कि सर्फेक्टेंट क्या होता है। सर्फेक्टेंट जो होता है इसे सर्फेस एक्टिव एजेंट भी कहा जाता है, और सर्फेस एक्टिव एजेंट के नाम से ही आप लोग पता चल जा रहा है कि सर्फेक्टेंट क्या होता है। मतलब ऐसा एजेंट जो कि हमारे सर्फेस पर एक्टिव होता है, सरफेस मतलब स्किन के ऊपर जो एक्टिव होता है ऐसे सबस्टेंस को, ऐसे एजेंट को सर्फेक्टेंट कहते हैं। सिंपल रूप से आप लोग लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे दोस्तों, सरफेस एक्टिव एजेंट या फिर कह सकते हैं सर्फेक्टेंट आर द मॉलिक्यूल्स विच रिमेन एक्टिव एट द सरफेस, जो कि सरफेस पर एक्टिव होते हैं। एंड दिस डिक्रीज द सरफेस टेंशन, इनकी सर्फेक्टेंट जो सरफेस टेंशन होते हैं वो डिक्रीज होते हैं कहां पर, एट द सरफेस ऑफ लिक्विड बाय गेटिंग द एब्जॉर्ब आइदर द सरफेस, ठीक, या फिर कह सकते हैं एट द इंटरफेस बाउंड्री प्रेजेंट विद द बिटुमेन टू इनविजिबल पेज, जैसे हाइड्रोफिलिक हेड हो गया एंड हाइड्रोफोबिक टेल हो गया। ठीक, तो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल सर्फेक्टेंट क्या होते हैं ये सब आप लोग लिख सकते हैं, बहुत पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है कि इनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। चार क्लासिफिकेशन होता है, चार क्लासिफिकेशन कौन कौन सा होता है देख लीजिए, यहाँ पर जिस तरीके से लिखा हुआ है आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको चार्ट तरह से बना के लिखना है। जैसे कि मान लीजिए अगर पूछता है कि इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है सर्फेक्टेंट का, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट में इस तरीके से हेडिंग डालेंगे, उसके बाद इस तरीके से चार्ट बनाएंगे। ठीक, चार्ट बनाएंगे तो सबसे पहला हमारा हो गया एनायनिक, दूसरा हमारा हो जाएगा कैटायनिक, फिर तीसरा हो जाएगा एम्फोटेरिक। तो इन तरीके से आपको चार्ट बना करके लिखना चाहिए, इसे थोड़ा सा अच्छा भी लगता है और एग्जामिनर को देखने में जब अच्छा लगेगा तो आपको नंबर भी इंक्रीज होगा। तो इसमें चार क्लासिफिकेशन होता है, एनायनिक हो गया, कैटायनिक हो गया, एम्फोटेरिक हो गया, और चौथा क्या होता है नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। तो अभी आप लोग यहीं पर तीन से चार बार रटिए क्या क्या होता है सर्फेक्टेंट क्लासिफिकेशन, तीन बार बोलिए यहीं पर याद हो जाएगा, एनायनिक, कैटायनिक, एम्फोटेरिक और नॉन आयनिक, एनायनिक, कैटायनिक, एम्फोटेरिक, नॉन आयनिक, एनायनिक, कैटायनिक, एम्फोटेरिक, नॉन आयनिक, चार बार बोलिए याद हो जाएगा यहीं पर। एनायनिक में क्या होता है, फैटी एसिड सोप हो गया, सोडियम लिक्विड सल्फेट हो गया, सोडियम लिक्विड पॉलीऑक्सिलेन हो गया, एथर सल्फेट हो गया, सोडियम केटाइल पॉलीएथिलीन हो गया, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं एनायनिक सर्फेक्टेंट में। तीन से चार बार यहीं पर बोल के पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। उसी तरीके से कैटायनिक में लिख सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, एमीन्स होता है क्वार्टरनरी, अमोनियम साल्ट होता है जो कि हाईली क्या होता है एल्काइल ग्रुप होते हैं, तो ये भी हो गया। एम्फोटेरिक में क्या हो गया, एम्फोटेरिक में भी दो से तीन लाइन लिख सकते हैं, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट में भी लिख सकते हैं एथिल ऑक्साइड हो गया, एडर्ट हो गया, पॉलीऑक्सिथिलीन हो गया, लाइक्रिल ईथर हो गया, कोको फैटी एसिड हो गया, डाई एथेनॉल एमाइड हो गया, ओलिक एसिड मोनोग्लिसराइड हो गया, तो ये होते हैं। तो अगर आपसे सर्फेक्टेंट का क्लासिफिकेशन बताइए तो क्या क्या होता है, एनायनिक सर्फेक्टेंट, कैटायनिक सर्फेक्टेंट, एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट और नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, आई होप आपको याद हो गया होगा। अब देखिए एप्लीकेशन यहां पर बहुत डिटेल है, ठीक, लेकिन डिटेल ज्यादा आपको नहीं जाना है क्योंकि आप भूल जाते हैं, ज्यादा डिटेल पढ़ने के चक्कर में एग्जाम में जाते हैं आप लोग भूल जाते हैं। तो कोशिश आपको क्या करना है, पहले मेन मेन बात को तैयार रखना है कि इनके एप्लीकेशन में मेन मेन चीजें क्या होती हैं। तो मेन बात अगर आपको याद रहेगा तो उसके बारे में आप बना के लिख सकते हैं, लेकिन मेन मुद्दा ही नहीं पता रहेगा, हेडिंग क्या है वही नहीं पता रहेगा तो क्या लिखेंगे। तो पहले बात जानते हैं इनका एप्लीकेशन क्या होता है, राइट द एप्लीकेशन ऑफ सर्फेक्टेंट। तो पहले आप लोग 1, 2, 3, 4 करके पहले इनका मेन बात लिख लीजिए, अगर डिटेल पूछेगा डिटेल लिखना, तो पहले लिखेंगे सॉल्युबलाइजेशन, दूसरा हमारा इमल्सिफिकेशन हो जाएगा, तीसरा डिस्पर्शन हो जाएगा, चौथा हमारा क्या हो जाएगा, चौथा हमारा क्लीनिंग हो जाएगा, पांचवा हमारा सॉफ्टनिंग हो जाएगा, छठवां हमारा वेटिंग एंड पेनिट्रेशन हो जाएगा। ठीक, तो छह बातें यहां पर एप्लीकेशन में याद रखने हैं, छह बातों में थोड़ा थोड़ा अगर लिखना चाहते हैं डिस्कस करना चाहते हैं तो एक लाइन, सॉल्युबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इट इज इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, क्या करता है ये सॉल्युबिलिटी के इफेक्ट को इंक्रीज कर देता है आप पार्शियली सॉल्युबल या फिर इनसॉल्युबल सब्सटेंस, क्या करता है सॉल्युबिलिटी के इफेक्ट को ये इंक्रीज कर देता है सॉल्युबलाइजेशन, समझ गए, बस आगे नहीं जाना है। इमल्सिफिकेशन, अब इमल्सिफिकेशन क्या होता है, इट इज द मेथड ऑफ फॉर्मिंग इमल्शन बाय द मिक्सचर ऑफ वाटर इन सॉल्युबल सब्सटेंस विद द वाटर, बस इससे ज्यादा नहीं जाना है। ये मेथड होता है फॉर्मिंग इमल्शन किसके द्वारा होता है, वाटर की मिक्सिंग के द्वारा जो कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वाटर के साथ, बस ज्यादा नहीं घूमना इधर उधर, इतना बातें याद हो गया सही है। उसी तरीके से डिस्पर्शन में भी लिख देंगे एक से दो लाइन, क्रिटिजी फिनोमिना जो कि क्या होता है नॉन एक्वस सब्सटेंस होता है जिस किसमें फॉर्म में होते हैं, ये फाइन पार्टिकल के फॉर्म में होते हैं वाटर में जो कि क्या होता है यूनिफॉर्मली क्या होता है डिस्पर्स होता है, ये डिस्पर्शन हो गया जो कि वाटर में डिस्पर्स होता है वो डिस्पर्शन हो गया, बस हो गया, समझ गए आप लोग। क्लीनिंग, अब क्लीनिंग के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं वो लिख देना है, शैम्पू हो गया, सोवर जेल हो गया, फेशियल क्लीनर हो गया और सम क्लीनिंग प्रोडक्ट, ये सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं क्लीनिंग प्रोडक्ट होते हैं, तो बस इतना ही लिखना है, शैम्पू हो गया, सोवर जेल हो गया, फेशियल क्लीनर्स हो गए एंड
एंड सम ऑफ द क्लीनिंग प्रोडक्ट, ये सब क्या है, प्रोडक्ट है क्लीनिंग, समझ गए, सॉफ्टनिंग, स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वो सॉफ्टनिंग हो गया, बस हो गया। वेटिंग एंड पेनिट्रेशन में भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, ये मॉइस्चराइजर इफेक्ट होता है, सरफेक्ट जो कि देता है, कंफर्टेबल देता है एंड सॉफ्ट फील कराता है यूजर को, मतलब स्किन पे सॉफ्ट फील कराए, जो कि क्या होता है, वेटिंग एंड पेनिट्रेशन होता है, समझ गए आप लोग। अब दोस्तों आते हैं हम लोग रियोलॉजी मॉडिफायर में, तो रियोलॉजी मॉडिफायर क्या होता है बात करते हैं, तो आप लोग बताइए रियोलॉजी क्या होता है, रियोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, देखिए सिंपल बात जानिए, रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंस, या फिर कह सकते हैं स्टडी ऑफ साइंस कहें या फिर स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ थिंग, इनका मतलब क्या हो गया, देखिए रियोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं कि जैसे पर्सनल प्रोडक्ट हो गए, जैसे कि पर्सनल प्रोडक्ट हो गया, उसको किस तरीके से प्रोडक्ट करना, उसको किस तरीके से फ्लो कराना है। अब आपको समझाता हूं, बहुत सारे क्रीम होते हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, उसको आपको किस तरीके से अपने बॉडी पर लगाना है, कैसे फ्लो कराना है, उसका क्या सही तरीका है, वो हमारा होता है रियोलॉजी मॉडिफायर। एग्जाम्पल दूं आप लोगों को, जैसे लोशन होता है, लोशन को किस तरीके से बॉडी पर लगाते हैं, फेस क्रीम हो गया, फेयर एंड लवली हो गया लेडीज के लिए, लड़कियां लोग फेयर एंड लवली स्किन पे किस तरीके से लगाती हैं, पूरा रगड़ रगड़ के पूरा मिलाती हैं हाथों से, ठीक। जैसे फेयर हैंडसम हो गया, जो कि लड़कों लोग लगाते हैं, शायद यहाँ पे कहीं पे होगा, नहीं चलिए ठीक है, तो फेयर हैंडसम हो गया जो लोग लगाते हैं बॉयज के लिए, तो वो किस तरीके से लगाते हैं, तो हर चीज का लगाने का अलग तरीका होता है। एग्जाम्पल बताऊं, जैसे क्रीम आप लोग हाथों से रगड़ रगड़ के लगाते हैं, नेल पॉलिश हो गया, नेल्स पे लगाती हैं, तो उसको हाथों से रगड़ रगड़ के लगाती हैं कि यहाँ पे हाथों में आप लोग नेल पॉलिश को गिरा के और रगड़ के नाखूनों पे इस पे लगा रहे हैं, इस पे लगा रहे हैं, इस तरीके से लगाते हैं, नहीं, एक ब्रश होता है, क्या होता है, उसको एक ब्रश होता है, ब्रश को लेकर के और अपने नेल्स पे धीरे धीरे करके लगाते हैं। तो हर चीज को लगाने का अलग अलग तरीका बना हुआ है, सही तरीका बना हुआ है, किस तरीके से लगाना है, वो हमारा होता है रियोलॉजी मॉडिफायर। तो आसान भाषा में लिख सकते हैं, रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंस हाउ थिंग्स फ्लो, मतलब किस तरीके से उसे फ्लो कराना है, ए पर्सनल केयर प्रोडक्ट शुड फ्लो राइट वे, किस तरीके सही तरीके से उसको लगाया जाता है। जैसे स्किन क्रीम हो गया, वो क्या होता है, शुड अपीयर हाईली विस्कस इन द जार बट शुड बी कैपेबल इन द बीइंग फिट अप द रब्ड इनटू द स्किन, नेल पॉलिश शुड बी सफिशिएंटली विस्कस टू द सस्पेंड ऑफ हाई वॉल्यूम ऑफ द सस्पेंड पिगमेंट नॉट ड्रिप फ्रॉम द ब्रश बट इन द सस्पेंडली ऑन द नेल्स कवर यूनिफॉर्मली। तो ये सारी चीजें आपको इसमें लिखना है। अब क्लासिफिकेशन इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीजें आते हैं बस एक बार आप लोग ओवरव्यू देख लीजिए खाली, क्या होता है, एक्वस फेज एडिटिव्स होता है। अब इसमें भी कुछ पार्ट होते हैं, ठीक, तो पार्ट आप लोग वीडियो को रोक करके धीरे धीरे दिखा रहा हूं, पढ़ लेना। दूसरा हमारा होता है नॉन एक्वस एडिटिव्स, ठीक, तो नॉन एक्वस एडिटिव में भी कुछ पॉइंट आते हैं, लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके लिख लेना, नहीं तो इसका जो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से आप लोग देख करके एक बार पढ़ लेना, आपको याद आ जाएगा। अब वही बात यहां पे किया जा रहा है कि रियोलॉजी का एप्लीकेशन क्या होता है, मतलब रियोलॉजी मॉडिफायर जो होता है इनका यूज कहां कहां पे किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले स्टिकी प्रोडक्ट, स्टिकी प्रोडक्ट में जैसे कि लिपस्टिक हो गया, एंटी सस्पेंट हो गया, तो ये सारी चीजों के बारे में लड़कियों को ज्यादा पता होगा, वो इनके बारे में अपने से भी बना करके लिख सकते हैं। ध्यान तो ज्यादा देना है लड़कों को, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देकर के पढ़िए, जैसे कि क्या होता है, पहला पॉइंट लिख सकते हैं टू मेंटेन होमोजेनिसिटी मोल्टन एंड सेटिंग स्टेज हो गया, इंक्रीज करता है हाई टेम्परेचर इंग्रेडिएंट को, टू एलिमिनेट करता है ऑयल माइग्रेशन को, रिड्यूस करता है क्रीसिंग अराउंड द लिप्स एंड आईज, ठीक, उसी तरीके से मास्करा हो गया, ये इंप्रूव करता है फिल्म बिल्ड को, इंक्रीज करता है वाटर रेसिस्टेंस को, एलिमिनेट करता है वाटर माइग्रेशन ऑयल माइग्रेशन को, तेल के माइग्रेशन जो होता है उसको एलिमिनेट करता है, उसी तरीके से सस्पेंशन हो गया, यूवी सन क्रीम हो गया, यूवी का मतलब ध्यान रहे ना अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट सन क्रीम होते हैं, एंटी सस्पेंट एरोसॉल होते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग एप्लीकेशन में लिख सकते हैं। चलिए ह्यूमेक्टेंट की बात करते हैं, ह्यूमेक्टेंट अब क्या है, ह्यूमेक्टेंट भी आप लोग जान लीजिए कि ये भी हाइड्रेशन सबस्टेंस होता है जो कि यूज किया जाता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में, इसलिए रिटायर्ड मॉइस्चर लॉस, मॉइस्चर को लॉस करने के लिए यूज किया जाता है, इंक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट इन द स्किन दैट इन कॉन्टेक्ट विद द प्रोडक्ट एंड टारगेट बॉडी एरिया ट्रीटमेंट विद द ह्यूमेक्टेंट, टारगेट बॉडी एरिया जो होता है उसका ट्रीटमेंट करते हैं ह्यूमेक्टेंट, ह्यूमेक्टेंट के साथ जो कि ड्राई स्किन पर। हाइड्रेशन जो होता है वो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल, कहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेटाबॉलिज्म एंजाइम एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अपीयरिंग एंड बैरियर फंक्शन ऑफ स्किन को मेंटेन करने के लिए हाइड्रेशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, कहां पर रोल होता है, ह्यूमेक्टेंट में, ठीक। ह्यूमेक्टेंट क्या होता है, ये एक हाइड्रेशन सबस्टेंस होता है जो कि किसमें होता है, यूज किया जाता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज किया जाता है, ठीक।
इनके प्रॉपर्टीज 5 से 6 लाइन लिखे गए हैं, 6 पॉइंट 7 पॉइंट दिए गए हैं। आसान भाषा में वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा कुछ है नहीं। इनके बारे में आप लोग पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें पढ़ने हैं इनके बारे में ओवरव्यू हमें केवल देना है, ठीक। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ग्लिसरीन हो गया। अब ग्लिसरीन क्या होता है? ग्लिसरीन जो होता है ये एक मोस्ट कॉमन ह्यूमेक्टेंट होता है, जो कि इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, 3 OH ग्रुप होते हैं, ये आर्डरलेस होता है, क्लियर लिक्विड होते हैं जो कि डिराइव्ड होते हैं नेचुरल सोर्स के साथ, ठीक। तो यही सारी चीजें आपको ग्लिसरीन में लिखने। उसी तरीके से प्रोपिलीन होता है, प्रोपिलीन ग्लिसराल होता है, तो यह क्या होता है? यह नॉन टॉक्सिक होता है, लो आर्डर होता है, लो विस्कोसिटी होता है, ये क्या होता है? कंपैक्टेबल होता है। किसके साथ कंपैक्टेबल होता है? मेनी इंग्रेडिएंट के साथ। ये एब्जॉर्ब नहीं करता है क्वाइट को एंड मच वाटर को, ग्लिसरीन के रूप में। एंड इट आल्सो डज नॉट हैव स्किननेस प्रॉब्लम, ग्लिसरीन आर द लेस एक्सपेंसिव। यही बातें आपको लिखना है पॉलीप्लेन में, जैसे क्या होता है? नॉन टॉक्सिक होता है, लो ऑर्डर होता है, विस्कोसिटी भी लो होता है, कंपैक्टिबल होता है मेनी इंग्रेडिएंट के साथ, ठीक। यही बातें आपको लिखना है। सोर्बिटॉल में भी लिख लेंगे 2 से 3 पॉइंट आसान भाषा में। ब्यूटिलीन ग्लिसराल में भी आपको लिख लेना है 2 से 3 पॉइंट, ज्यादा नहीं, छोटे छोटे पॉइंट लिखे गए हैं वही पॉइंट आपको लिखना है। पीईजी में भी लिख लेना है, सोडियम पीसीए में भी लिख लेना है 2-3 पॉइंट। इनके एप्लीकेशन क्या होते हैं? अप्लीकेशन वही सारे होते हैं कि प्राइमरी फंक्शनलिटी क्या होता है, ह्यूमेक्टेंट के फॉर्म में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं, ठीक। ह्यूमेक्टेंट जो होता है कंसीडर करता है इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ड्राई के लिए, ठीक। जैसे डिहाइड्रेटेड स्किन हो गया, जो कि ये क्या होते हैं, ऐड किए जाते हैं ड्यू टू एबिलिटी टू अट्रैक्ट वाटर लाइक मैग्नेट हो गया, केमिकल बाइंडिंग वाटर हो गया। तो ये सारी चीज अप्लीकेशन हो गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ज्यादा आपको समझा नहीं रहे हैं, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट था उस पर ज्यादा फोकस किए हैं, ठीक। अब आते हैं इमोलियंट। इमोलियंट क्या होता है? इमोलियंट वर्ड जो है ये ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है? मोलरे, ठीक। ये टॉपिक आपका देखिए इमोलियंट जो होता है दोस्तों, इमोलियंट जो है ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, राइट स्टार्ट नोट इमोलियंट, ठीक। या फिर डिफाइन इमोलियंट एंड क्लासिफिकेशन, आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, अच्छे से पढ़ना है। तो इमोलियंट वर्ड जो है ये ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड से, ठीक, लैटिन वर्ड मोलेरे, जिनका मतलब होता है सॉफ्टन। सॉफ्टन का मतलब क्या होता है? स्किन, ऐसा एजेंट जो कि हमारे खून स्किन को, हमारे त्वचा को सॉफ्ट बनाए, सॉफ्ट फील करे, इंप्रूव करे सॉफ्टनेस को, वो होता है। तो क्या लिखेंगे? दस इमोलियंट रिपेयर द मटेरियल दैट सॉफ्टन इन द स्किन, जो हमारे स्किन को क्या करे, सॉफ्टन करे। तो क्या लिखेंगे? इन द कॉस्मेटिक फॉर्मुलेटिंग वर्ड इमोलियंट आर इंग्रेडिएंट, इमोलियंट जो होता है इंग्रेडिएंट होता है, इनकॉर्पोरेटेड इंग्रेडिएंट होता है, इन टू द प्रोडक्ट इंप्रूव द फील ऑफ द स्किन। ये क्या करता है? स्किन के फील इंप्रूव को क्या करता है? बढ़ाता है, ठीक, जिससे हमारा स्किन एकदम क्या रहे, सॉफ्टनेस बना रहे। इमोलियंट आल्सो समटाइम नोन एज मॉइस्चराइजर, इमोलियंट को क्या कहा जाता है, कुछ समय तक ये भी कहा जाता है कि मॉइस्चराइजर ये होता है, ये मॉइस्चराइजर भी होता है, ये मॉइस्चराइजर की तरह काम कर रहा है तो मॉइस्चराइजर ही होगा, क्योंकि हमारे स्किन को सॉफ्टनेस प्रोवाइड कर रहा है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो सिंपल लिख देंगे, मेडिएटेड इमोलियंट हो गया, सॉफ्ट सब्सटेंस हो गया। तो इसमें आपको सिंपली लिख लेना है मेडिएटेड इमोलियंट में क्या क्या होता है, एकेजिमा हो गया एंड पोरोसिस हो गया, ठीक, सोरेसिस हो गया, शॉर्ट में बोलते हैं एकजिमा हो गया एंड सोरेसिस हो गया, और सॉफ्ट सब्सटीट्यूट हो गया, इसमें दूसरा सॉफ्ट सब्सटीट्यूट हो गया, इमोलियंट बहुत एडिटिव हो गया। तो ये सारी बातें हो गई, यहाँ पे आपको लिख लेना है इनके एप्लीकेशन क्या होते हैं, वीडियो को रोक करके बस पढ़ लेना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आसान भाषा में लिखा है, पढ़ लेना है आपको। लास्ट हमारा है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम कोई ड्रग बनाते हैं, तो ड्रग में हम प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं। प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल इसलिए करते हैं जैसे हमारा ड्रग जो होता है वो लंबे समय तक बना रहे, उसमें माइक्रोबियल का ग्रोथ ना हो, बैक्टीरिया वायरस का ग्रोथ ना हो कि वो ड्रग हमारा खराब हो जाए। तो कोई भी ड्रग हम बनाते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा ड्रग जो है वो लंबे समय तक स्टेबल बना रहे, और इतने हिसाब से हम लोग प्रिजर्वेटिव को मिलाते हैं जिससे हमें पता रहता है कि हाँ, इसीलिए ना जो बना रहता है कोई भी दवा बना रहता है तो उसपे दवा कब बना और दवा कब खराब होगा वो लिखा रहता है। किस हिसाब से लिखा रहता है? प्रिजर्वेटिव को देख के, कि इतने दिन तक प्रिजर्वेटिव हमारा ड्रग को स्टेबल बनाया रहेगा, उसके बाद ये दवा खराब हो सकता है, इसीलिए दवा कब बना है और दवा की एक्सपायर होगा खराब होगा वो सारी बातें वहां पर लिखा जाता है। तो ये हमारा होता है प्रिजर्वेटिव में। इनके प्रॉपर्टीज आपको लिख लेना है आसान भाषा में, इनका क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है आसान भाषा में लिखे गए हैं छोटे छोटे वर्ड में, आपको बस वीडियो को रोक रोक करके इनको लिख लेना है। मेन मुद्दा क्या है आपको पता बस चल जाए, उनके बारे में बना करके लिख सकते हैं। इनका एप्लीकेशन क्या होता है? 3 से 4 पॉइंट में लिखे गए हैं, बेंजोइक एसिड हो गया, पैराहाइड्रोक्सी बेंजोएट हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, फिनाल हो गया, ठीक। तो ये सारी बातें आपको लिख लेना है। तो इसी के साथ आपका हर्बल एक्सपीसिएंट
जो होता है ये, सॉरी हर्बल एक्सपीशियंट कर रहा हूँ, कॉस्मोटिक एक्सपीशियंट जो होता है हमारा, ये यहीं पर हो गया। कॉस्मोटिक एक्सपीशियंट नहीं, क्या चल रहा है हमारा, हाँ कॉस्मोटिक एक्सपीशियंट यहीं पर होता है कंप्लीट। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।